सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नोदीप चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपके पास भी कई सारे कूल पिक्चर होंगे जैसे ये। अब इसको MI Band 4 के फेस पे कैसे सेट किया जाए, जैसे ये या ये, तो ये कैसे किया जाए आखिर? तो दोस्तों, MI Band 4 यूनिट के ऊपर ये फेसेस सेट करना बहुत ही आसान हो चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल और सेफ वे में कैसे हम हमारा फेस सेट कर सकते हैं। MI Band के नए अपडेट में ये चीज़ आ चुकी है। YouTube पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से आप जो एग्जिस्टिंग फेसेस है उनकी बिन फाइल को कॉपी करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी होंगी, जो कि कुल मिलाकर काफ़ी पेचीदा मामला हो जाता है, जो कि करना बहुत ही मुश्किल है। और एक एक फ़ोटो, अगर आपको क्विकली फ़ोटो चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐप्स भी आते हैं जो कि डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन करके दे देते हैं, अंदर से सब सेटिंग करके दे देते हैं, आपको सिर्फ पिक्चर अपलोड करना है। लेकिन ये ऐप्स भी अनवेरीफाइड सोर्सेज हैं, गूगल प्ले से आप ये ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो ये भी रिस्की मामला है कोई भी अनवेरीफाइड ऐप इंस्टॉल करना हमारे मोबाइल फ़ोन पर। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि किस तरह से MI Band के नए अपडेट के साथ हम ये क्विकली फेसेस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो फर्मवेयर वर्जन है MI Band 4 यूनिट का, वो 1.0.6.12 पे अपडेटेड हो। ये रिसेंटली ही फर्मवेयर का अपडेट आया था, तो अगर आपके बैंड पे सेट नहीं है तो आप नोट कर लीजिए ये नंबर फर्मवेयर अपडेट होना चाहिए, नहीं है तो इसे क्विकली आप फर्मवेयर को अपग्रेड कर दीजिए। और MiFit का भी जो वर्जन है दोस्तों, वो 4.0.8, MiFit एप्लीकेशन जो आपका गूगल प्ले में अवेलेबल होता है उसका वर्जन 4.0.8 इंश्योर कर लीजिए। इसके बाद हमें जाना है हमारे MI Band 4 के सेटिंग्स में, और बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ऑनलाइन बैंड डिस्प्लेज, ये जो ऑप्शन था ये पहले से अवेलेबल है, जो हम कस्टम फेसेस हम सेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक नया ऑप्शन आया है जहाँ पे हमें तीन तरह का डिस्प्ले सेटिंग्स दिख रही है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ एक हमें नया ऑप्शन दिख रहा है, चेंज बैकग्राउंड। तो चेंज बैकग्राउंड क्लिक बोलते ही ये एक तो फोटो लेगा, या फिर आपके गैलरी में से आप कोई भी एग्जिस्टिंग फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हमें इसे क्रॉप करना पड़ेगा MI Band के साइज़ के हिसाब से। तो जिस तरह से आपका सेटिंग है वैसे आप क्रॉप कर सकते हो, आपको जितना फेस चाहिए अवेलेबल ऑन योर MI Band। तो यहाँ पे थोड़ा मेक श्योर कर लीजिए कि थोड़ा ऊपर नीचे जगह रह जाए फॉर डेटा टू बी डिस्प्लेड, क्योंकि उसके ऊपर आपका टाइम और स्टेप्स काउंट भी दिखने वाला है। तो इसको हम सिंक कर देंगे। और ये सिंकिंग इन प्रोग्रेस है, स्टार्ट हो गया है, और ऊपर हमें एक प्रीव्यू भी दिख रहा है हमारे बैंड डिस्प्ले का किस तरह से दिखेगा। तो लीजिए दोस्तों, ये सेट हो गया है हमारा फेस MI Band 4 यूनिट पे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन इसे सेट करना, आपको कोई भी कोड के अंदर जाके या फिर किसी भी फाइल्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोर फाइल्स को। बहुत ही ईजी हो गया है, ये बहुत अच्छी बात की है MI Fit ने, की ये एक फैसिलिटी हमें दे दी है। तो दोस्तों, एक चीज़ सिर्फ मुझे इसमें एक लगी कि जो भी बैंड फेस है उसका, उसके ऊपर जो लिख के आता है वो, अगर आपका वाइट कलर का फ़ोटो है तो उसमें ये प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ठीक है, शायद आशा करता हूँ कि अगले अपडेट में इसके लिए भी कुछ ऑप्शन आ जाए और भी कई सारे फेसेस हमें देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद होगा और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर सका हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए मेरी तरफ से, अगर जब भी वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।